लाइव आ चुका हूँ मैं आप सभी के सामने, बिल्कुल चलिए आ गया। ठीक है, ऑसम, बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल चलिए, आप सभी के सामने मैं लाइव हूँ। ठीक है, एक बार देख लेंगे वीडियो, है ना, मैं थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ, फिर इसके बाद क्लास शुरू करते हैं। तो हाय गाइस, वेलकम टू ऑल बोर्ड। बहुत ही दिनों के बाद मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज की आपकी क्लास। मेरा नाम सौरभ है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, और मैं आप सभी लोगों का साइंस फैकल्टी हूँ। ठीक है, चलो तो क्लास को शुरू करते हैं, है ना। और मैं थोड़ा सा वीडियो को आप सभी के साथ में शेयर कर देता हूँ और ग्रुप्स में डाल देता हूँ, फिर इसके बाद क्लास शुरू करेंगे। योगेश मेरे भाई, राधे राधे, थोड़ा सा एक बार लाइक कर दो वीडियो, है ना, फटाक से लाइक कर दो और शेयर कर दो, थोड़ा सा मजा आ जाए, है ना, जिससे, और मैं एक बार डाल देता हूँ हर जगह पे। चलो तो ये हो गई वीडियो हमारी शुरू। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया, तो ये हो गई शेयर वीडियो। चलिए तो ये हो गया वीडियो, है ना, शेयर, बहुत ही बढ़िया। चलिए तो स्टार्ट किया जाए, और एक बार सभी लोग फिर से, है ना, जैसे मैंने कहा, लाइक कर देंगे वीडियो को थोड़ा सा, और फिर अभी सर की भी क्लास खत्म हो जाएगी, राहुल सर की क्लास चल रही है, फिर ज्वाइन करेंगे। बहुत दिनों बाद दर्शन दिए सर। योगेश मेरे भाई, गौतम आ जाओ यार, है ना। हाँ यार, थोड़ा दिनों बाद दर्शन दिया, है ना, एक हफ्ता पूरा गैप था, कुछ भी क्लासेस आपकी नहीं चली थी, आप भी चलेंगी। ठीक है, हमेशा जैसे अभी चल रहा था, थोड़े दिन आप इस तरह के सेटअप की आदत डाल लो, है ना, मैं एक बॉक्स में दिखूंगा आपको, और फिर इसके बाद अपन इम्प्रूव कर लेंगे। ठीक है, और फिर बढ़िया से क्लासेस आपकी चलेंगी। चलिए तो शेयर कर दिया हूँ मैंने क्लास, और जैसे कि आप देख सकते हैं, आज केवल रिवीजन सेशन रखा है मैंने, है ना, ज़्यादा सवाल नहीं है, थोड़े सवाल हैं, अच्छे सवाल हैं, और अपन रिवीजन के पर्पज़ से क्लास रखे हैं। और ये भी मेरे को देखना था कि कुछ नई जगह से, नई तरह से क्लास शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए भी मैंने एक रिवीजन सेशन आपके लिए रखा था। और फिर कल से अपन केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं ना, टॉपिक वाइज केमिस्ट्री शुरू करेंगे। चलिए, फिजियल का टीयर 3 का पेपर आप सभी का 6 तारीख को है, तो जो भी बच्चे सुपर एलीट बैच में होंगे उन सभी को इसका एक्सेस ऑलरेडी मिल गया होगा, और अगर आप नहीं हैं तो आप सौरभ कूपन कोड का यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं, और काफी सस्ते में ये कोर्स आपको मिल जाएगा 8 मंथ की वैलिडिटी के साथ। ठीक है, सुपर एलीट, और एनटीपीसी सीवीटी 2 का क्रैश कोर्स लॉन्च है, तो आप इसको 1399 से भी कम प्राइस में, है ना, केवल आप 909 रुपये में इसको, जहां तक है, ले लेंगे। सौरभ कूपन कोड का इस्तेमाल करना है। ठीक है, कूपन कोड आप लगाते रहना सौरभ, और आप ऑली बोर्ड मॉक भी प्रेफर करिएगा, और ऑली बोर्ड का जो अपना टेलीग्राम चैनल है, ऑली बोर्ड SSC, इसको सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, ताकि सारी अपडेट आपके पास आती रहे, और साइंस वाइज सौरभ सर ये वाला टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना है। ठीक है, दिव्यांशु, शिवा, अंकिता, सभी लोग आ रहे हैं। अंकिता, आप लोग मैथ की क्लास में नहीं थे। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला सवाल आप सभी के सामने, आसान से सवाल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये सवाल मुझे लगता है आएगा, जल्दी ही आएगा, आपके पेपर में पूछा जाएगा, इसीलिए मैंने ये सवाल आपके सामने ले लिया। ठीक है, चलो एक बार लाइक कर देना वीडियो। ठीक है सर, साइंस टॉपिक वाइज पढ़ाना, मुझे नोट्स बनाना है। हाँ मेरे भाई, साइंस टॉपिक वाइज भी तो पढ़ा रहा, बायोलॉजी हो गई, फिजिक्स हो गई, है ना, बायोलॉजी के एक दो चैप्टर है वो भी पढ़ा दूंगा, कल से अपन टॉपिक वाइज केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया, आ जाइए। पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन के का वैज्ञानिक नाम है? ये मैंने पहले भी बताया था, और इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आजकल ट्रेंड में है और आपके पेपर में आएगा ही। तो को फिलहाल नहीं होता ना सुबह मेरे भाई, फाइटोनेडियॉन करेक्ट आंसर हो जाएगा, फाइटोनेडियॉन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, फाइटोनेडियॉन इसको बोला जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम है, और आपका पेंटोथेनिक एसिड, है ना, पेंटोथेनिक एसिड क्या है, आपका विटामिन B5 का नाम है, विटामिन B5 का नाम है। टोकोफेरॉल बताओ, टोकोफेरॉल किसका नाम है? अगला सवाल बताओ, टोकोफेरॉल किसका नाम है, किसका वैज्ञानिक नाम होता है, कौन से विटामिन का? देखो आपको बताया था ना NPC 3512, वहां से आप विटामिन B5 का निकाल सकते हैं नाम। पी से होता है पेंटोथेनिक एसिड, क्या होता है, पी से पेंटोथेनिक एसिड, तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम हो जाएगा। टोकोफेरॉल का फटाक से बताओ, टोकोफेरॉल का बिल्कुल ई हो जाएगा, है ना, विटामिन ई आपका किसका होता है, टोकोफेरॉल का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, फाइटोनेडियॉन याद रखना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, अगला सवाल है कि -200 डिग्री से 1200 डिग्री सेल्सियस तापमान जो थर्मामीटर नापता है, उस थर्मामीटर को क्या कहा जाता है? विच टेम्परेचर इज यूज टू मेजर
द टेम्परेचर फ्रॉम -200 डिग्री सेल्सियस टू 1200 डिग्री सेल्सियस, मतलब बहुत कम तापमान भी नापता है ना, -200 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान नाप सकता है और 1200 डिग्री तक का तापमान भी ये नापता है। ऐसे थर्मामीटर को क्या कहते हैं? शुभम कह रहे हैं प्लेटिनम, बिल्कुल प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर इसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं? प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर। जो नैदानिक थर्मामीटर यानी क्लिनिकल थर्मामीटर है जो आप अपने घर पे इस्तेमाल करते हो, जिसपे पारा होता है यानी मरकरी होता है, वो आपका कहाँ से कहाँ तक होता है? आपका 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है, जो आप अपने घर पे देखते हो, ठीक है। कहाँ से होता है? 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक। जो आपका लेबोरेटरी है ना, प्रयोगशाला में जो थर्मामीटर होता है, प्रयोगशाला वाला जो थर्मामीटर होता है, ये -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान नापता है, ठीक है। तो ये भी पेपर में आपका पूछा जाएगा। तो -10 डिग्री से 110 डिग्री तक लेबोरेटरी थर्मामीटर यानी कि प्रयोगशाला थर्मामीटर होता है, और 35 से 42 क्लिनिकल थर्मामीटर जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं वो होता है, और सवाल का आंसर प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर हो जाएगा, ठीक है। दीक्षा गुड इवनिंग। चलिए CBT 1 क्लियर हो गया है, मेंस के लिए कुछ आइडिया दीजिए सर प्लीज। बेरोजगार शिवम, अरे शिवम भाई ऐसे नहीं बोलते हैं, बेरोजगार नाम आप मत रखिए अपने नाम में, और बिल्कुल पढ़ाएंगे है ना, पढ़ रहे हैं अपन। CBT 2 के लिए मॉक्स लगाइए ज्यादा से ज्यादा है ना, मॉक्स लगाइए, और जो प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं मैथ वगैरह के ना, उनको आप रेगुलर फॉलो करिए, अच्छे खासे कॉन्सेप्ट आपके इंप्रूव होंगे, है ना। आहार में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है गाइस, बताओ कौन सा होता है? गोइटर डिसीज होता है ना। आहार में आयरन की कमी से गोइटर डिसीज नहीं होता है बिल्कुल भी, आप मुझे कंफ्यूज मत करो। एनीमिया होता है, रक्त लाप, रक्तहीनता या रक्त छीणता दोनों चीज कहते हैं, रक्तहीनता या रक्त छीणता दोनों कहते हैं, और आयरन की डेफिशियंसी से एनीमिया रोग आपका होता है। गोइटर जो है ये आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। क्या है? आयोडीन की कमी से होने वाला रोग गोइटर रोग होता है। रिकेट्स आपका विटामिन डी की कमी से होने वाला, बच्चों में होने वाला रोग है, इन्फेंट्स में यानी नवजात शिशुओं में ये रोग आपका होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है, ठीक है। एनीमिया को, रोग को दूर करने के लिए हमें किस प्रकार के विटामिन की आवश्यकता होती है ये बताओ, किस प्रकार के विटामिन जब आप खाएंगे है ना, उस प्रकार के विटामिन अगर आपके भोजन में है तो आपको वहां पे एनीमिया नहीं होगा। तो याद रखिएगा विटामिन B9 और विटामिन B12, ये दो विटामिन आपके ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, आयरन रिच विटामिन होते हैं, इनमें आयरन पाया जाता है, ठीक है। तो कभी भी अगर विटामिन की कमी हो तो वहां पे अगर आपको एनीमिया होगा ना, तो जो डॉक्टर दवाई देगा उस दवाई में विटामिन B9 और B12 होगा, और आपको जो भोजन बोलेगा खाने को उसमें भी B9 और B12 होगा, ठीक है। चलिए तो ये भी पूछा जाता है, B9 और B12 में आयरन आपका होता है ना। प्रमोद मेरे भाई चलो आ जाओ, है ना, फटाफट पढ़ो। सर आज तो आप केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले थे, दीक्षा आज केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाला था लेकिन आज पहली क्लास थी और नई जगह से पहली क्लास थी ना, तो मैंने आज का रिवीजन सेशन इसीलिए लग रख दिया कि आज मेरे को देखना था कोई टेक्निकल इशू तो नहीं हो रहा अपनी क्लास में, है ना, कि मुझे और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत तो नहीं है अपने सेटअप पे, है ना। अभी थोड़ा सा टेम्परेरी है सेटअप, है ना, थोड़े दिन बाद जैसे मैंने कहा स्मार्ट बोर्ड पे ट्रांसफर हो जाऊंगा मैं, तो थोड़े दिन तक अभी आपने को इसी पे पढ़ना है। तो कल से आज आज की क्लास अच्छी जा रही है ना, तो आज की क्लास अच्छी जा रही है, कल से अपन पढ़ना शुरू कर देंगे। स्वर यंत्र यानी कि स्वर स्वर यंत्र के ठीक नीचे, श्वास नली के ठीक सामने कौन सी ग्रंथि होती है? विच ग्लैंड इज लाइज जस्ट इन द फ्रंट ऑफ ट्रेकिया बिलो द लैरिंक्स, कौन सी होती है? थायराइड ग्रंथि होती है, बिल्कुल थायराइड ग्लैंड होती है। देखो मैंने बोला ना, सीधे सीधे आपका किसकी बात कर रहा है, गर्दन की बात कर रहा है, गर्दन की यानी गले की बात कर रहा है, नेक की है ना, नेक की बात कर रहा है ना। ट्रैकिया कहाँ है? आपका ये वाला भाग होता है ट्रैकिया, लैरिनिक्स, वॉइस बॉक्स जिसे कहते हैं, लैरिनिक्स को क्या बोलते हैं आपका? वॉइस बॉक्स, है ना, वॉइस बॉक्स कहते हैं। अच्छा तो वहां पे क्या होता है? थायराइड ग्रंथि होती है, और थायराइड ग्रंथि में ही गोइटर रोग होता है, जो अभी पीछे अपन ने देखा ना गोइटर, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग। तो जब थायराइड ग्रंथि सूज जाती है ना, जब ये आपकी क्या हो जाती है, स्वेलो हो जाती है ना, जब सूज जाती है तो उसे गोइटर रोग कहते हैं, आयोडीन की कमी से वो रोग आपका होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, चले बहुत शानदार। अगला है, पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में जैव अणु कौन सा है? विच इज द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑन अर्थ, कौन सा है बायोमोलिक्यूल, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला बायोमोलिक्यूल कौन सा है? चलिए है ना बताइए, सबसे ज्यादा पृथ्वी
प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला बायो मॉलिक्यूल आपका कौन सा होता है, ये आपको बताना है। तो जो बायो मॉलिक्यूल है वो कार्बोहाइड्रेट होता है सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। आपके शरीर में भी जो आप खाते हो ना, जैसे आपके शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता है, मिनरल की आवश्यकता है, कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता है, बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा मात्रा में होता है वो आपका कार्बोहाइड्रेट हुआ करता है। ठीक है, सबसे ज्यादा मात्रा में जैव अणु जो मौजूद होता है। ठीक है, मिनरल सॉल्ट बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है ना, बहुत कम मात्रा में मिनरल सॉल्ट चाहिए होता है। ठीक है, चलो एक बार लाइक करते रहना है ना, थोड़ा सा सेशन को लाइक भी करते रहना, सभी लोग बढ़िया से ना सेशन एक बार लाइक करते रहेंगे मैं भाई हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा परजीवी संबंध का प्रतिनिधित्व करता है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा परजीवी संबंध का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब कि आपका पैरासिटिक रिलेशनशिप बताता है यहाँ पे कि मतलब ये जो जोड़े हैं ये ऐसे हैं कि एक परजीवी है और दूसरा उसका होस्ट है, यानी कि वो परजीवी किस पे जिंदा रहता है ना, वो परजीवी किस पे जिंदा रहता है। तो आंसर क्या होगा, कौन से संबंध बताता है परजीवी संबंध को? परजीवी कौन हुआ करते हैं, पैरासाइट कौन होते हैं? जो दूसरे पे निर्भर रहते हैं अपना भोजन खाने के लिए, है ना, जो दूसरे पे अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। तो कौन सा इसमें से सही आपका सुमेलित संबंध कौन दर्शाता है? तो कौन दर्शाता है? नहीं, एल्गी और कोरल रीफ। नहीं, एल्गी नहीं होता। एल्गी तो आपका शैवाल जो होता है ना, ये तो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाता है, तो एल्गी नहीं होगा, है ना, ये नहीं होगा। आपका होगा टिक्स ऑन डॉग, है ना, कुत्तों पर टिक्स। देखा होगा छोटे छोटे आपने कीड़े देखे हैं, जैसे कि देखो घर के जो कुत्ते होते हैं तो वो तो साफ सुथरे होते हैं, उनको रोज शैम्पू से नहलाया जाता है, अगर उनमें कीड़े लगे होते हैं, है ना, और तो उनमें जो कीड़े लगे होते हैं तो उनको अपन निकाल भी देते हैं, साफ सुथरा रखते हैं। लेकिन गलियों के, है ना, जो रोड साइड डॉग्स होते हैं कुत्ते, उनमें आपने देखा होगा कीड़े वगैरह लगे रहते हैं, वो बहुत साफ सुथरे नहीं रहते। तो वो जो टिक्स होते हैं उनको टिक्स बोला जाता है, जो कीड़े लगे रहते हैं उनको टिक्स बोलते हैं, और वो टिक्स क्या करते हैं, कुत्तों पे जिंदा रहते हैं, उनको चूसते रहते हैं, उनका खून चूसते रहते हैं। ठीक है, तो टिक्स ऑन डॉग्स आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, है ना, है ना। चलो टिक्स, अरे देखा होगा यार कुत्ते लोगों को, अभी ध्यान से देखना, उनमें छोटे छोटे कीड़े लगे रहते हैं ना, हिंदी में उनको अलग अलग जगह बोलते हैं, है ना, कुछ अलग अलग नाम से उनको बोलते रहते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, ये एक तरह से डॉग क्या है, उसका होस्ट है ना, डॉग क्या है, होस्ट है, उस पर चिपक के उसका खून चूसते रहते हैं, वो धीरे 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 खून चूसते रहते हैं उसका, है ना, डॉग के ऊपर जिंदा रहते हैं। टिक्स। एक बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है? वायलेट कलर का वेवलेंथ कितना होता है मेरे भाई, बताओ। वायलेट रंग, यार कुत्ते से क्यों डर लगता है, कुत्ता तो कितना अच्छा होता है, मेरे को तो नहीं डर लगता। चलो आगे बढ़े। हाँ, वो जू होती है ना, जू, कुत्तों के ऊपर जू होती है, जो उसी की बात कर रहा हूँ, टिक्स उनको बोलते हैं। एक बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है बताइए? तो ये होती है 380 से 450 नैनोमीटर के बीच में। आपको पता है विबग्योर, है ना, मैंने बोला था नीचे से ऊपर की तरफ क्या बढ़ती है, तरंग दैर्ध्य बढ़ती है। विबग्योर 7 रंग होते हैं, नीचे से ऊपर तरंग दैर्ध्य बढ़ती है। जो वायलेट कलर है ना, वायलेट कलर जो होता है, इसकी तरंग दैर्ध्य यहाँ से होती है 380 नैनोमीटर से 450 नैनोमीटर तक होती है ना। और जो आपका सबसे ज्यादा जिसकी तरंग दैर्ध्य होती है, मैंने बोला ना वेवलेंथ आपका लाल रंग का अधिकतम होता है, और ये वेवलेंथ आपका कितना होता है, 620 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक होता है। ठीक है, यहाँ तक होता है। तो इसके बीच में 380 से 750 के बीच में ही आपका आंसर होगा, है ना। चलिए, तो या तो वायलेट पूछता है पेपर में, या तो मोस्टली रेड पूछता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे बढ़ो, अगला सवाल। 20 डिग्री सेल्सियस पर शुष्क हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस? चलिए बताइए। कितना होगा, 343 मीटर प्रति सेकंड होती है, 331 नहीं होती है ना, 331 आपकी नहीं होती है, 343 मीटर प्रति सेकंड आपकी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, 20 डिग्री के तापमान पे, याद रखिएगा। ठीक है, 343 मीटर प्रति सेकंड। मनुष्य की खोपड़ी में एकमात्र चल हड्डी का नाम क्या है? नेम द ओनली मूवेबल बोन इन द स्कल ऑफ अ मैन, है ना। जैसे ये देखो, ये वाली इकलौती एक हड्डी होती है, जबड़े की हड्डी जिसे कहते हैं, है ना, जिसको जबड़े की हड्डी कहते हैं। ये देखो, ये क्या है, तुम्हारी चलती है, केवल और केवल एक ही हड्डी होती है, जबड़े की हड्डी,
है ना, जबड़ा वाला जो भाग है, यही केवल एक हड्डी है जो चल हड्डी होती है। देखो ये चल रही है ना, ये चल रही है, चल हड्डी है, बाकी सारी हड्डियां आप ही क्या है, स्थिर हैं, वो नहीं चलती हैं। इसे कहते हैं मैंडिबल हड्डी, क्या बोलते हैं, मैंडिबल हड्डी, है ना, मैंडिबल बोन इसको बोला जाता है। क्लियर है, चलिए, है ना, मैंडिबल हड्डी इसको कहा जाता है। अच्छा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग है जो शुक्राणु को डिंब में प्रवेश करने में मदद करता है ना, ये मैंने पहले भी कराया है ये सवाल, तभी मैंने बोला रिवीजन क्लास है, थोड़ा सा मैं आपको देख रहा हूं कि आपको याद कितना रहता है। चलो आगे बढ़ो, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग है जो शुक्राणु को डिंब में प्रवेश करने में मदद करता है, जोनल पेलोसिडा या मेगालिस या एक्रोजोम या नन ऑफ द अबव, क्या होगा, क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, है ना, मैंने पढ़ाया है ना पहले भी, बी ऑप्शन क्यों कर रहे हो, बी ऑप्शन क्यों कर रहे हो, मैंने पढ़ाया है ना, एक्रोजोम, देखो अग्रपिंडक जिसको कहते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये स्पर्म है, ये क्या है, स्पर्म के मिडिल वाले भाग में, मैंने आपको बताया था ना मध्य वाले भाग में माइटोकॉन्ड्रिया होता है स्पर्म में, है ना, और जो ये सर वाला भाग हेड है ना, जो सिर होता है स्पर्म का, इसके आगे ये वाला भाग जो मैंने बनाया ये, है ना, लाल कलर से, इसको बोला जाता है एक्रोजोम, क्या बोला जाता है इसको, एक्रोजोम बोला जाता है, और यहीं पे मस्तिष्क में ही क्या है, नाभिक भी पाया जाता है, न्यूक्लियस भी आपका यहीं पे मस्तिष्क में ही आगे सिर वाले हिस्से में पाया जाता है स्पर्म के, ठीक है, और इसको फ्लैजिला बोलते हैं, टेल बोलते हैं या फ्लैजिला बोलते हैं, जिसकी मदद से स्पर्म क्या करता है, गति करता है, चल पाता है स्पर्म, है ना, फ्लैजिला की मदद से, क्लियर है, तो एक्रोजोम बोलते हैं, एक्रोजोम ही आपका क्या होता है, अग्रपिंडक ही आपका क्या होता है, एग में, ओवम में जाकर के अटैक करता है, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, क्लियर है, आगे है, डीएनए इज स्टोर्ड मेजरली इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल, डीएनए मुख्य रूप से किन कोशिकाओं में संग्रहित होता है, कहाँ पे, कोशिका के किस भाग में डीएनए संग्रहित होता है, तो ये सवाल भी हो चुका है, क्या होगा बताओ, चलो फटाक से आंसर करो इसका, बताओ फटाक से आंसर करो, सभी लोग का आंसर आ जाना चाहिए था अब तक तो, अब तक तो सभी का आंसर आ जाना चाहिए था, एक बार लाइक कर दो यार वीडियो में फटाक से, है ना, सभी लोग भाइयों, नकुल गुड इवनिंग मेरे भाई, फटाफट सभी लोग लाइक कर दो, न्यूक्लियस बिल्कुल केंद्रक में होता है ना, डीएनए आपका केंद्रक में होता है ना, केंद्रक में आपका होता है, देखिए केंद्रक के अंदर ऐसे याद रखिए, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोजोम्स होते हैं, और क्रोमोजोम के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, ठीक है, तो किसी भी कोशिका किसी भी सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, जिसको मस्तिष्क कहते हैं, है ना, इसको अपन क्या कहते हैं, अपन इसको किसी भी कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं, न्यूक्लियस को, उसके अंदर क्रोमोजोम होता है, और ये देखिए इस प्रकार का एक्स एक्स स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपका डीएनए कहलाता है, ठीक है, डीएनए न्यूक्लियस में होता है। अगला है कि हास्य गैस का रासायनिक फार्मूला क्या होता है, हास्य गैस का रासायनिक फार्मूला क्या होता है, शेरों बताओ, सर कंडक्ट द सेशन ऑन स्केलेटल सिस्टम, ठीक है भाई, है ना, चलो शिवांगी गुड इवनिंग, चलिए हास्य गैस का रासायनिक फार्मूला क्या होता है, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं सभी लोगों से, है ना, कल से अपन केमिस्ट्री शुरू करेंगे, कल की जो क्लास होगी वो केमिस्ट्री की होगी आपकी, चैप्टर मैंने बताया ना एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना, वहां से अपन शुरू करेंगे केमिस्ट्री, है ना, एकदम पहले चैप्टर से, आगे सभी का आंसर N2O है ना, ये हास्य गैस है, यानी कि अगर मैं आपको सुघा दूं, है ना, आप लोगों को एक रूम में मैं डालूं और वहां पे छिड़क दूं ये गैस, तो आप हंसते हंसते पागल हो जाओगे, सभी ने हाउसफुल मूवी देखी है, हाउसफुल देखा है ना, हाउसफुल, तो हाउसफुल मूवी में जो आपको ने देखा होगा ना, लास्ट में एक हॉल में उन लोग रहते हैं, सब लोग हंसते रहते हैं, है ना, तो वो N2O गैस ही होता है, लाफिंग गैस, ठीक है, याद रखिएगा इसको, और ये आपका ना यही गैस, एक चीज और है, यही आपका ग्लोबल वार्मिंग के कारण वाली भी यही गैस होती है N2O, ठीक है, जो प्रदूषण के रूप में निकलती है। सल्फ्यूरिक एसिड किस प्रकार का अम्ल है बताओ, सल्फ्यूरिक एसिड किस प्रकार का अम्ल है, सल्फ्यूरिक एसिड किस प्रकार का अम्ल है, बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर है, चलो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, अगर मैं बोलूं PH2SO4 ये किस प्रकार का अम्ल है, हाँ बर्मिंघम पैलेस में उन लोग जाते हैं, तो बहुत ही बढ़िया, चलो बहुत ही बढ़िया, तो H2SO4 देखो आपका H2SO4 अगर पानी में घोलोगे ना तो ये बनेगा 2H+ + SO4 2- आयन, यानी कि जब भी पानी में घोलो कोई एसिड, किसी भी एसिड को पानी में जब डाल दो तो वो जितने जितने हाइड्रोजन आयन देती है, जितने भी हाइड्रोजन आयन देता है वही उसकी क्षारकता होता है, वही उसका बेसिसिटी होता है, वही उसका संख्या क्षारकता यानी कि उस एसिड की बेसिसिटी कहलाता है,
ठीक है। तो H2SO4 दो हाइड्रोजन आयन देता है पानी में, यानी कि ये डायाबेसिक एसिड है ना, डायाबेसिक एसिड है। अगर मैं फॉस्फोरस एसिड लूँ H3PO4 है ना, फॉस्फोरिक एसिड अगर मैं ये लूँ और इस एसिड को अगर मैं पानी में डाल दूँ, किसमें डाल दूँ, अगर मैं यहाँ पे वाटर में डाल देता हूँ तो ये टूटेगा 3H+ और इसमें PO4 3- आयन में, ठीक है। तो ये एसिड मान लीजिए H3PO4 पेपर में दिया है, तो ये कितने आयन देता है, तीन हाइड्रोजन आयन, कितने, तीन हाइड्रोजन आयन दिया, यानी कि इसका क्षारकता कितनी हो जाएगी, ट्राई बेसिक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ट्राई बेसिक, ठीक है। तो कोई भी अम्ल हाइड्रोजन आयन जितने भी देगा पानी में वो उसका क्षारकता को बताएगा, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड की कितनी हो जाएगी, डायाबेसिक हो जाएगा, कितना हो जाएगा, डायाबेसिक आपका हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, है ना, सबका मैं देख पा रहा हूँ जितना है तो, हाँ सबका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, चलो 14वें सवाल पे चलो, क्लास आज की ज्यादा लंबी नहीं है ना, क्लास आज की ज्यादा लंबी नहीं है, मजे से पढ़ेंगे सभी लोग, लाइक वाइक करते हुए चलेंगे, है ना, और जल्दी ही अपन इसको खत्म भी करेंगे। 14वां सवाल, बहुत ही बढ़िया तेरों, बहुत ही बढ़िया यार, अच्छा कर रहे हैं आप लोग। क्या होगा जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो क्या उत्पाद बनता है, आंसर चाहिए मुझे इसका, सबसे आंसर चाहिए मुझे इस सवाल का। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं, अत्यधिक गर्म कर देते हैं, तो उससे क्या उत्पाद बनता है। शिवांगी पढ़ते जाइए, सवाल अभी हैं, अभी बहुत सवाल हैं ना, अभी अपन आधे तक भी नहीं पहुंचे हैं। चलिए, तो आंसर होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, नहीं गलत है, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, सोडियम कार्बोनेट होगा, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट होगा। याद रखिएगा सोडियम कार्बोनेट को धोवन सोडा, यानी कि आप क्या कहते हैं, धोवन सोडा कहते हैं, धोवन सोडा कहते हैं इसी को, या तो आप कहते हैं आप वॉशिंग सोडा, हिंदी से क्या बोलते हैं, वॉशिंग, इंग्लिश में वॉशिंग सोडा बोलते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। और सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है सर, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा यानी पाक सोडा भी कहते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, NaHCO3, ये क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको बेकिंग सोडा या पाक सोडा कहते हैं। अब इसी चीज को गर्म करना जा रहा है, तो जब इस चीज को गर्म किया जाता है तो आपको क्या याद रखना है कि इससे बनता है Na2CO3 यानी कि धोवन सोडा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और साथ में निकलता है पानी, है ना, तो ये आपकी अभिक्रिया होती है, ये आपकी अभिक्रिया होती है, ये क्या है, धोवन सोडा है। अब इसी रिएक्शन को उल्टा भी कर सकते हैं, अगर कभी बोले परीक्षा में कि Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट को अगर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से मिलाया जाए तो क्या बनेगा, तब आपको याद रखना है कि पाक सोडा बनेगा। तो ये ऐसी अभिक्रिया है जो उल्टा सीधा दोनों तरह से चलेगी, है ना, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर पाक सोडा से क्या बनता है, धोवन सोडा, और धोवन सोडा में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलाने पर क्या बनता है, बेकिंग सोडा बनता है, ठीक है, तो ये आपकी अभिक्रिया चलेगी, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, है ना। चलिए, बहुत ही बढ़िया है ना, और सब्सक्राइब जरूर करेंगे सभी लोग मेरे भाई, जो भी क्लास में नए हैं ना, सब्सक्राइब जरूर करिएगा सभी लोग, है ना, बढ़िया, और दबा के एक बार लाइक और शेयर करिएगा सेशन। विच केमिकल इज नोन एज रोमन विट्रियोल, है ना, रोमन विट्रियोल के नाम से कौन सा रसायन जाना जाता है, रोमन विट्रियोल के नाम से कौन सा रसायन जाया जाता है, क्लियर है, चलो आंसर करो फटाक से। रोमन विट्रियोल, तो ये जो होता है आंसर क्या होगा बताओ, 15वें का ये ऑप्शन, एल्यूमिनियम सल्फेट नहीं होता, हाँ जो आपका होता है कॉपर सल्फेट होता है, ठीक है, रोमन विट्रियोल, है ना, या ब्लू विट्रियोल, इसी को ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं, नीला विट्रियोल भी बोलते हैं, और इसी को रोमन विट्रियोल भी कहते हैं, किसको, कॉपर सल्फेट को, CuSO4 को। आयरन सल्फेट को ग्रीन विट्रियोल, हरा विट्रियोल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ग्रीन विट्रियोल कहा जाता है, हरा विट्रियोल कहा जाता है। और एल्युमिनियम सल्फेट को विट्रियोल ऑफ क्ले, मिट्टी का विट्रियोल, विट्रियोल ऑफ क्ले या मिट्टी का विट्रियोल इसको कहा जाता है, मिट्टी या मिट्टी का विट्रियोल, ठीक है, मिट्टी का विट्रियल इसको बोला जाता है, या विट्रियोल ऑफ क्ले बोला जाता है। और पोटेशियम सल्फेट को कुछ भी नहीं बोला जाता है ना, इसको कोई नाम नहीं दिया गया, इसकी बेइज्जती करवा दिए हैं, इसको कुछ नाम नहीं दिए, विट्रियोल ऑफ क्ले, ब्लू विट्रियोल, कॉपर सल्फेट या रोमन विट्रियोल भी जिसको कहते हैं, और ग्रीन विट्रियोल, आयरन सल्फेट, FeSO4, है ना, FeSO4, क्लियर है, बहुत ही बढ़िया। अगला, आतिशबाजी में नीली बत्ती यानी नीला रंग किसके कारण
इसकी मौजूदगी के कारण होता है। जैसे आतिशबाजी होती है ना, पटाखे फूटते हैं, है ना, तो वो जो नीला रंग आता है, ब्लू कलर का जो पटाखा फूटता है, वो किसके कारण होता है? बेरियम धातु, सोडियम धातु, कॉपर धातु या स्ट्रॉन्थियम धातु, कौन सी धातु मौजूद होती है बताओ? हाँ, नीला थोथा, बिल्कुल, थोथा कहते हैं विट्रियोल को, लेकिन आजकल पेपर में विट्रियोल ही लिखा हुआ आएगा, है ना, विट्रियोल भी याद रखना, आजकल विट्रियोल लिखा हुआ दिखता है। देखिए क्या होता है, कई सारे रंग होते हैं, कॉपर आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, कौन सा होगा? कॉपर आपका सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल। देखिए अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो, देखिए जो अगर कभी पूछा जाए ना कि लाल रंग किसके कारण होता है, तो स्ट्रॉन्थियम धातु के कारण होता है। यहाँ पे धातु का मैंने वो लिखा हुआ है ना, आपका जो सिंबल होता है, सिंबल सभी धातुओं का यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे कौन से किसका रंग का कारण बनते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखेंगे स्ट्रॉन्थियम लाल रंग का कारण बनता है, बेरियम हरे रंग का कारण बनता है, और लिथियम गुलाबी रंग का कारण बनता है, और सोडियम जो है ये येलो यानी पीले रंग का कारण बनता है, कॉपर आपका ब्लू रंग का कारण बनता है, और कैल्शियम आपका गोल्डन रंग का कारण बनता है। कैल्शियम, यहाँ पे धातु मेरी फोटो में छुपी हुई है, तो कैल्शियम आपका किसके कारण, किस रंग का कारण बनता है? ये गोल्डन रंग का या गोल्डन रंग का, है ना, कारण कौन बनता है? कैल्शियम बनता है, ठीक है? तो ये पांच छह आपको धातु याद रखना है, और इन धातुओं के मौजूदगी के कारण आतिशबाजी में कौन सा रंग निकलता है ये याद रखना है। ये सवाल आएगा पेपर में, है ना, ये सवाल पेपर में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अरे थोड़ा क्लास में भी ध्यान दिया करो तुम लोग, है ना। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड का सही उपयोग दर्शाता है बताओ? नहीं, वो ग्रीन विट्रियोल को रोमन विट्रियोल नहीं बोलते, है ना। चलिए आगे बढ़ो, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का सही उपयोग दर्शाता है? फटाक से बताओ। ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा, हर जगह तुम लोग तुक्का मारते हो, है ना। यहाँ पे लेड स्टोरेज बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है, कहाँ पे होता है? लेड स्टोरेज बैटरी में, है ना, बहुत अच्छे, ऑल ऑफ द अबव ना, बहुत होशियार हो तुम लोग, है ना, बहुत। एंटी एसेप्टिक के रूप में नहीं इस्तेमाल होता सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, एंटी सेप्टिक के रूप में इस्तेमाल हो जाएगा, झुलस जाओगे तुम, ठीक है, तो एंटी सेप्टिक के रूप में नहीं इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये किस में इस्तेमाल होता है आपका? लेड स्टोरेज बैटरी में, है ना। ये देखिए इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इस्तेमाल होता है, ये देखिए जो यहाँ पे घोल होता है ना, घोल जो आपका होता है, इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, घोल डला होता है, उसके रूप में क्या इस्तेमाल होता है आपका? सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है ना, इसमें आपका लेड स्टोरेज बैटरी में, ठीक है। इसमें जो कैथोड होता है वो प्योर लेड धातु का होता है, प्योर लेड धातु का कैथोड होता है, और जो एनोड होता है ना, पॉजिटिव वाला भाग होता है, वो लेड ऑक्साइड का होता है। तो ये भी याद रखिएगा, परीक्षा में ये भी आता है ना, कि जो लेड स्टोरेज बैटरी है उसमें एनोड, एनोड किसका बना होता है? तो याद रखना लेड ऑक्साइड का बना होता है, ठीक है, ये भी सवाल है पेपर में, एनोड लेड ऑक्साइड से बना होता है, ये इम्प्योर होता है यानी शुद्ध नहीं होता है, PbO2 होता है, और जो आपका कैथोड है निगेटिव वाला भाग, वो प्योर लेड धातु से बना होता है, ठीक है। तो कैथोड और एनोड बनते किससे हैं लेड स्टोरेज बैटरी में, ये भी सवाल आता है, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट आपका सल्फ्यूरिक एसिड उसमें पाया जाता है। चलिए अगला एक फिजिक्स का सवाल है, और आपको बताना है कि 1 मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है, 1 मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? अरे कटिंग नहीं किया मेरे भाई, बाल छोटे छोटे थे, अब जाकर के बड़े हो गए हैं। चलो आंसर क्या होगा, 1.609 आ गया सबका, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है ना, जितना मैं देख पा रहा हूँ सभी का करेक्ट है ना, सभी का बी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए 1 मील में, याद रखिएगा 1 किलोमीटर में सबको याद होना चाहिए 0.62 क्या होता है, मील हुआ करता है ना, अगर ये आपको याद है कि 1 किलोमीटर में कितना मील होता है, ठीक है ना, 1 किलोमीटर में कितना मील होता है, 0.62 मील होता है। तो यहाँ पे 1 मील में कितने किलोमीटर हो जाएंगे, 1/0.62 किलोमीटर हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ से 1 मील में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100/62 किलोमीटर, यानी कि सॉल्व करोगे वह आएगा 1.609 किलोमीटर के बराबर, ठीक है, 1.609 के बराबर यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है।
अरे लूसेंट में गलत लिखा है मेरे भाई, लूसेंट सब चीजें सही नहीं लिखती है लूसेंट। तुम लोग क्यों इस बात पे नहीं समझ रहे हो? आप गूगल करके देखो, कॉपर सल्फेट ही बताएगा तुम्हें रोमन विट्रियोल, है ना। आयरन आयरन सल्फेट को नहीं बोलते हैं, गलत मत कराना पेपर में, लूसेंट के चक्कर में तुम्हारे लग जाएंगे वहां पे। चलो, 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? जब बोल रहा हूँ जो चीज बोला करूं तो मेरे पे भरोसा करा करो, लूसेंट पे कम भरोसा किया करो। लूसेंट के चक्कर में लोगों का पीसीएस नहीं निकल पा रहा है, गलत गलत इंफॉर्मेशन दिए रहते हैं, पढ़ के जाते हैं, पीसीएस के पेपर में निकलता है नहीं। अरे इंडियन ट्यूब मेरे भाई, तू तो परेशान हो गया एक चीज में। अरे बोल दिया नहीं बोलते हैं उसको, सुधार दो। लूसेंट वाले को मेल लिखो, बोलो गलत लिखे हो, रोमन विट्रियोल कॉपर सल्फेट को बोलते हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया। क्या होगा? 10^-12 के बराबर होगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, पिकोमीटर। अरे तुमको एक गाना सिखाया था कि नहीं? अरे तुमको एक गाना सिखाया था कि नहीं? क्या गाना सिखाया था? डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो अट्टो। गाना सिखाया था डेसी सेंटी मिली माइक्रो, बोला था ना सुबह शाम और रात को दूध के साथ लेना है। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेमटो अट्टो, नैनो पीको फेमटो और अट्टो, ये मैंने सिखाया था तुम्हें। देखो अब डेसी मीटर क्या होता है? 10^-1 मीटर। सेंटीमीटर क्या होता है? 10^-2 मीटर। मिली क्या होता है? 10^-3 मीटर। और माइक्रो क्या होता है? अब तीन तीन पावर यहाँ से बढ़ा दो, अब सारी पावर तीन तीन यहाँ से बढ़ा दो, है ना, तीन तीन पावर यहाँ से बढ़ाते चलो। तो पीको मीटर पूछा है तो 10^-12, फेमटो पूछता तो 10^-15, ऑट्टो पूछता तो 10^-18 मीटर हो जाता। ठीक है, तो आपको यही चीज याद रखना है, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेमटो ऑट्टो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेमटो ऑट्टो, है ना, चार बार रटो याद हो जाएगा। चलो, यदि एक दूसरे के सामने दो समतल दर्पण एक दूसरे के साथ 36 डिग्री का कोण पर झुके हैं तो उनके बीच पड़ी हुई वस्तु द्वारा बनाई गई छवियों की संख्या क्या होगी? है ना, दो दर्पण ऐसे पड़े हुए हैं, इनके बीच का कोण कितना है? थीटा। कितना दिया है? 36 डिग्री के बराबर, है ना। दर्पण दूसरा है, दर्पण एक है, कुल बनने वाली छवियों की संख्या कितनी हो जाएगी? धुरंधरों बताओ, 10^-1 9। दीपू बहुत ही बढ़िया, श्रेयस सीख गए आप लोग, अब आने लगा, अब नहीं गलती करोगी ये, है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलो देखो क्या हो गया। देखिए मैंने बोला था कुल संख्याएं कितनी होंगी? 360 डिग्री बटे थीटा, ये मैंने बोला था। तो यहां से आपका कितना आएगा? 360 डिग्री बटे 36, कितना आएगा? 10 के बराबर। लेकिन मैंने एक चीज बताई थी कि n का दो कंडीशन होगा, अगर n का मान आया एक सम संख्या तो n-1 छवियां बनेंगी, और अगर n का मतलब ऑड आ रहा है तो n छवियां ही बनेंगी। तो ये क्या है? इवन नंबर है, तो टोटल इमेज जो बनेगी वो 10 में से 1 घटा के 9 बनेगी। कितनी बनेंगी? 9 छवियां बनेंगी, है ना। और अगर 11 आया होता तो उतनी ही छवियां बन जाती। चलिए अगला सवाल है, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान का 64 गुना है तो उसका नया रैखिक संवेग कितना होगा? इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी बिकम 64 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू देन द न्यू लीनियर मोमेंटम विल बी, कितना हो जाएगा न्यू लीनियर मोमेंटम? क्या बोलते रहते हो? ठीक, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान का 64 गुना है तो नया रैखिक संवेग कितना होगा मेरे शेर? 8 गुना हो जाता है ना। देखिए पी स्क्वायर आपको पता है, पी स्क्वायर क्या होता है? सॉरी, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? अरे गांव का बच्चा बच्चा जानता है, नाइजीरिया युगांडा में बातें फैल रही हैं ये बात कि काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बाई 2m होता है। ठीक है, वहां भी आजकल ये बहुत चर्चा में है, नाइजीरिया में भी। ठीक है कि काइनेटिक एनर्जी का दूसरा सूत्र पी स्क्वायर बाई 2m है, वो थोड़ा पीछे है ना समय के साथ, वो लोग जल्दी जल्दी नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें वहां भी पहुंच गई। तो यहाँ से ये पता चला कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल है पी स्क्वायर के, है ना। तो यहाँ से अगर आपका देखा जाए तो अगर काइनेटिक एनर्जी आपकी 64 गुना हो गई है तो जो नया संवेग होगा, जो नया आपका संवेग होगा P1 स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा? 8 टाइम्स ऑफ P के बराबर हो जाएगा, है ना, इनिशियल वैल्यू के 8 गुना हो जाएगा, है ना। चलिए क्लियर है, बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 8 गुना हो जाएगा, बहुत शानदार मेरे भाई। अगला सवाल, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पादप ऊतक काष्ठीय हो जाते हैं, द प्रोसेस इन विच बाई प्लांट टिश्यू बिकम वुडी,
देखिए आपको पता है कि टिश्यूज से ही बनते हैं, प्लांट टिश्यू होते हैं ना, पादप ऊतक होते हैं, वो धीरे धीरे कठोर होते जाते हैं जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है, धीरे धीरे क्या होते हैं वो सारे पादप ऊतक कठोर होते जाते हैं, बाद में वो लकड़ी का रूप लेते हैं, आपकी डालियां बन जाती हैं, है ना, तने बन जाते हैं, पूरा बीज वाला तना बन जाता है ना, स्टेम पूरा आपका भाग बन जाता है। तो वो जो टिश्यू का कठोरपन है जिसके कारण वो गुड़ी लकड़ी के रूप में काष्ठीय होते जा रहे हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को बोला जाता है लिग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं उसको? लिग्निफिकेशन। ये शब्द याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, केवल सवाल आंसर करके पेपर में आ जाना है। लिग्निफिकेशन है ना, ऊतकों का लकड़ी के रूप में परिवर्तन होना किसी भी पादप में लिग्निफिकेशन कहलाता है ना, लिग्निफिकेशन। जड़ का शिखर विषजोतक कहाँ पाया जाता है? द एपिकल मेरिस्टेम ऑफ द रूट। ये जो एपिकल मेरिस्टेम है ना, ये समझ लीजिए आगे वाला भाग है जो खुदाई कर रहा है, ठीक है। जैसे कोई भी जड़ होती है ना, जैसे आपकी कोई भी जड़ होती है, ठीक है, ये आपकी जड़ है, ठीक है, इस तरह की ये बीच वाला भाग है जड़ का, ये आपका क्या है? जड़ है, ठीक है। तो कोई भी जड़ जो होती है उसमें एक आगे ऐसा हिस्सा होता है ना, यहाँ पे ऐसा ऐसे कठोर का हिस्सा होता है जो कि क्या है, जमीन में उसको नीचे जाने में मदद करता है, जड़ को नीचे गहराई तक ले जाने में मदद करता है, एक तरह से ये खुदाई करता हुआ चलता है ना। तो ये खुदाई करता हुआ चलता है, तो यहाँ पे जो ये होता है ये सभी प्रकार की जड़ों में मौजूद होता है, एपिकल मेरिस्टेम, शिखर विषजोतक बोलते हैं, ये हर जगह पे मौजूद होता है। ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखो तुम लोग तुक्का मारने में माहिर तो हो ही, है ना, सभी का ऑल ऑफ द अबव आ गया, ऑल ऑफ द अबव आ गया, बहुत शानदार, बहुत ही अच्छा, है ना। चलो तो तुम लोग तुक्का तो मार ही देते हो, ऑल दिखता है तो तुम लोग कहते हो लगा दो ऑल, है ना सर, ज्यादा से ज्यादा एक आध क्वेश्चन ही ऐसा होगा जिसमें सर ने ऑल आंसर नहीं रखा होगा, बाकी तो सर ने ऑल ही रखा होगा, है ना। चलो तो यहाँ पे सब में इसके बिना नहीं पॉसिबल है ना, एपिकल मेरिस्टेम के बिना कोई जड़ नहीं होती है, और यही एपिकल मेरिस्टेम उसको नीचे जाने में मदद करती है ना, वो गहराई तक जाती जाए। चलो है ना, बहुत ही बढ़िया, और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आप सभी के सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन तनाव से निपटने में सहायक होता है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन तनाव से निपटने में सहायक आपका होता है, ये आपको बताना है। सेरोटोनिन अगर आपका आंसर आ रहा है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है सभी का, है ना, जितना मैं देख पा रहा हूँ सेरोटोनिन आ रहा है आंसर, सेरोटोनिन हार्मोन, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, अरे बी नहीं होगा यार, है ना, सेरोटोनिन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये आपका स्ट्रेस बस्टर होता है, जब भी आपको स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, तो ये सेरोटोनिन हार्मोन आपका निकलता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी ग्रंथि से यह हार्मोन निकलता है, अगर मैं आपसे कभी पूछूं कि कौन सी ग्रंथि से यह हार्मोन आपका निकलता है सेरोटोनिन, तो क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर? सेरोटोनिन कहाँ से निकलता है? सर ये हमारे पीनियल ग्रंथि से निकलता है। कहाँ से निकलता है? पीनियल ग्रंथि से निकलता है, ठीक है। तो पीनियल ग्रंथि में ये स्टोर होता है, लेकिन ये स्टोर होता है, याद रखिएगा, पीनियल ग्रंथि में स्टोर होता है ना, और इसको इकट्ठा करती है और रिलीज करती है पीनियल ग्रंथि इसको, ठीक है। रिलीज, मैंने पूछा ना रिलीज कौन करता है, तो ये पीनियल ग्रंथि करती है। लेकिन अगर मैं बोलूं उत्पादन, अगर कोई बोले कि प्रोडक्शन कौन सी ग्रंथि करती है ना सेरोटोनिन का, प्रोडक्शन, तो जो प्रोडक्शन ग्रंथि करती है वो हाइपोथैलेमस, मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस वाला जो भाग होता है ना, हाइपोथैलेमस वाला जो मस्तिष्क का भाग होता है ना, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस कौन सा? प्रमस्तिष्क का भाग है, अग्र मस्तिष्क का भाग है, आपके फोर ब्रेन का, फोर ब्रेन का भाग है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो ये ग्रंथि जो होती है ये प्रोडक्शन करती है, उत्पादन, फिर यहाँ से कहाँ जाता है? पीनियल ग्रंथि में, और यहाँ पे वो एकत्रित होता है और वहां से इसका स्रावण यानी रिलीज होता है सेरोटोनिन हार्मोन का, ठीक है, तनाव से निपटने में मदद करती है। तो दोनों चीजें याद रखना है, कहाँ स्टोर होता है, कौन निकालता है, कौन प्रोडक्शन करता है, ठीक है, सारी बातें याद रखनी है, क्लियर है, क्योंकि सारी चीजें ही आपकी सारी परीक्षा में सवाल है, ठीक है। चलिए बहुत ही शानदार है ना, सेरोटोनिन जहां तक है सबका करेक्ट आंसर था, मेलाटोनिन नहीं होगा दीपक, है ना, मेलाटोनिन नहीं होगा। क्लास में तुक्का मारना बिल्कुल मना है, सख्त मना है, लाइक करते रहना वीडियो, है ना, एकदम खींच के वीडियो को यार एक बार लाइक कर दो यार, मजा आ जाए वीडियो में, लाइक कर दो एकदम, है ना, तोड़ दो बटन एकदम, फोड़ दो फोन। चलो पुरुषों में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? नेम द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन, बताइए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है, बताओ।
मैंने ये, चलो यार तुम लोगों ने मेरी इज्जत रख ली, मैंने कम से कम ये 10वीं बार जब मैं ये सवाल लिया हूँ तब जाके अब तुम्हारा आंसर आने लगा है, नहीं तो सबसे पहले तो पेनिस ही आपका आंसर आता है ना, कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होगा, पेनिस नहीं होता, पेनिस एक जरिया है केवल, है ना, पेनिस केवल एक जरिया है ना, और आपका यौन संबंध के लिए, बाकी उससे कोई भी किसी भी प्रकार का ये आपका सेक्स ऑर्गन में नहीं कंसीडर किया जाता है ना। चलिए तो टेस्टिस आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। और इसी तरह अगर मैं महिलाओं में बात करूं, फीमेल में बात करूं, तो ओवरी होता है आपका, है ना, उसमें ओवरी होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, चलिए याद रखिएगा। और एक और चीज मैंने बोला था ना, इनका जो जैसे कि जैसे फीमेल मेल का सेक्स ऑर्गन, अगर केवल सेक्स ऑर्गन लिखा हो, प्राइमरी ना हो, प्राथमिक ना हो, सेक्स ऑर्गन बस लिखा हो, है ना, तो पेनिस हो जाएगा सेक्स ऑर्गन केवल, ठीक है, प्राइमरी नहीं। लेकिन अगर फीमेल में पूछा जाए कि, है ना, महिलाओं में सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है, तो वो क्लिटरिस होता है। क्या होता है? क्लिटरिस, वजाइना से नहीं कंफ्यूज करेंगे, क्या होता है? क्लिटरिस होता है ना, क्लिटरिस उसको बोला जाता है, याद रखिएगा। मैं स्पेलिंग एक बार लिख देता हूँ सही से, फीमेल में जो सेक्स ऑर्गन होता है उसको क्लिटरिस बोलते हैं, ठीक है, ना कि वजाइना, वजाइना से नहीं कंफ्यूज होंगे, ठीक है। चलिए तो ये देख रहे हैं, ये आपके टेस्टिस हो गए, दो दो आपके वृषण जिसको बोलते हैं, टेस्टिकल, है ना, तो यही आपके प्राथमिक यौन अंग होते हैं। चलिए अगला सवाल है कि मानव शुक्राणु के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, ये तो मैंने पीछे वाले सवाल में भी बता दिया था आपको, है ना, चलो ये तो मैंने पीछे वाले सवाल में भी आपको बता दिया था, मानव शुक्राणु के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है, मिडिल वाले भाग में, है ना, मध्य वाले भाग में होता है। जैसे मैंने ये दिखाया था आपको एक चित्र, ये चित्र सभी को याद है, दिखाया था मैंने, तो देखो ये वाला आपका मैंने बोला था ये हेड वाला हिस्सा है, सिर वाला भाग है, सिर वाले भाग में मैंने बोला था सबसे आगे जो आपका मौजूद होता है वो एक्रोसोम मौजूद होता है, क्या मौजूद होता है? एक्रोसोम, अग्रपिंडक, एक्रोसोम अग्रपिंडक मौजूद होता है, जो कि भेदन के काम आता है ना, अंडा अंडे में भेदने का काम ये करता है। और फिर मध्य में न्यूक्लियस आपका मौजूद होता है, नाभिक मौजूद होता है हेड में, है ना, नाभिक, और फिर उसके पीछे माइटोकॉन्ड्रिया मध्य वाले भाग में, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको आप पावर हाउस कहते हो, ये मौजूद होता है, ठीक है, याद रखिएगा। पेपर में हर बार ये सारी बातें पूछी जाती हैं, हर बार ये पेपर में पूछी जाती है, ठीक है। चलो अगला सवाल है, अगला सवाल है 27वां सवाल, आसान सा आखिरी सवाल। अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट बाय 20 मीटर। इफ वर्क डन इज 2200 जूल, देन एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बता दो, आसान सा सवाल है, आपको ऐसे सवाल मैंने पहले भी कराए हैं, है ना, बोला है कि एक फोर्स है 20 न्यूटन का, किसी वस्तु को 20 मीटर विस्थापित करता है, और किया गया कार्य 200 जूल के बराबर है, किया गया कार्य 200 जूल के बराबर है, जो बल लगाया है वो 20 न्यूटन का है, और जो विस्थापन देखने को मिल रहा है उस वस्तु में वो 20 मीटर का है। तो आप बताइए कि बल और विस्थापन के बीच का बनने वाला कोण कितना होगा, है ना, ये होगा कोण कितना होगा बल और विस्थापन के बीच बनने वाला, क्लियर है, तो सबका आंसर आ जाएगा, इसका सबका आंसर आ जाएगा 60 आ गया प्रमोद का, बहुत ही बढ़िया, सभी का आ गया, है ना, बहुत ही बढ़िया। चलिए तो देखिए, मैंने कार्य बोला था, वर्क डन क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा मैंने बोला था, एफ डी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा वर्क अपॉन एफ डी हो जाएगा, एफ डी। कार्य कितना है सर, 200 जूल है, और फोर्स कितना है 20, और डी कितना है 20 है, तो यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो कॉस थीटा कितना आता दिख रहा है सर, 1/2 आता दिख रहा है, और कॉस थीटा 1/2 मतलब थीटा का मान 60 डिग्री होगा, थीटा का मान कितना होगा सर, 60 डिग्री आपका होगा, यानी कि फोर्स और विस्थापन के बीच का बनने वाला कोण क्या है, वहां पे 60 डिग्री होगा। हाँ फिजिक्स कुंदन मेरे भाई पूरा पढ़ा दिया है ना, शुभम बहुत ही बढ़िया, महाराष्ट्र से हैं आप, वेलकम है क्लास में, है ना, मैंने फिजिक्स पूरी पढ़ा दी है, पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है ना, बायोलॉजी फिजिक्स लगभग लगभग खत्म है ना। चलिए दीक्षा थैंक यू, सभी लोगों को थैंक्स अलॉट, ठीक है। और मैंने बोला था ना क्लास थोड़ा कम है, एक्चुअली मैं आज अचानक से शुरू करना था सारी वो चीज़ें, तो थोड़ा सा सवाल मैं कम ले पाया है ना, तो आज थोड़े कम सवाल हैं, कल से, अरे एक और सवाल है, अभी नहीं खत्म हुई है, अरे रुको रुको, अरे भागो नहीं, अरे इधर चलो, एक और सवाल है ना, मैं जितना कोशिश कर पा रहा था सवाल डालते जा रहा था, चलिए तो इसीलिए मेरे को खुद भी नहीं आता कि मैंने कितने सवाल डाले हैं, और आखिरी दम तक मैंने सवाल डाले। एक और सवाल लास्ट बचा हुआ है, क्रिटिकल एंगल ऑफ अ लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 45 डिग्री, व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक और सवाल करके जाओ, एक और सवाल लास्ट करके जाओ, और ठोक पीट के एक बार लाइक कर दो वीडियो में, चलो ऑल डी, अरे नहीं 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 अभी अभी नहीं है, अभी नहीं, रुक जाओ रुक जाओ, अरे थैंक यू करने लग गए, तुम लोग तो भागने के फिराक में रहते हो, सवाल करो अगला, डी नहीं होगा,
डी होगा, हाँ डी ही हो तो होगा। देखो यहाँ पे जो होता है ना, ये जो आपका होता है क्रिटिकल एंगल, इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है? क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है पता है? साइन सी बराबर कितना होता है, कितना होता है क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला? साइन सी जो होता है ये 1/sin c म्यू के बराबर होता है, सॉरी है ना, ये कितना होता है म्यू, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/sin c के बराबर होता है। और साइन सी क्या है आपका? क्रिटिकल एंगल होता है ना, क्रांतिक कोण जिसे कहते हैं। ये क्या है आपका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अपवर्तनांक होता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ये फॉर्मूला होता है म्यू बराबर 1/sin c, ठीक है। अब वही आपको निकालना है, म्यू की वैल्यू निकालनी है। साइन सी कितना है? साइन सी कितना है 45 डिग्री, तो ये कितना होगा 1/√2 sin 45, तो यानी √2 आ जाएगा क्या अपवर्तनांक आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, और अब खत्म होता है सेशन, ठीक है। सौरभ कूपन कोड यूज करते रहना, ऑलिव बोर्ड के मॉक्स बहुत ही जरूरी है आपको लगाने, ठीक है। तो मॉक्स में जब भी कुछ भी चीज बाई करो तो कूपन कोड जरूर लगाइएगा, और ऑलिव बोर्ड के मॉक ही लगाइए, चाहे ग्रुप डी के लिए लगाते हैं, चाहे एनटीपीसी, चाहे एसएससी के लिए, है ना, क्योंकि ऑलिव बोर्ड के मॉक्स का लेवल थोड़ा सा अच्छा है, तो आपको मजा आएगा। और सारे मेरे नए भाई बहनों से विनती है कि आप इस ग्रुप में पीडीएफ के लिए मुझे ज्वाइन करें। मैं अभी ये क्लास के बाद साइंस और मैथ, आज की जो दोनों क्लास थी, इनकी पीडीएफ मैं इस टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। सीधे सर्च करिए और इस टेलीग्राम ग्रुप पे मेरे साथ आप जुड़िए, ठीक है। साइंस बाई सौरभ सर, इस टेलीग्राम ग्रुप पे आपको जुड़ना है, ठीक है। सबके लिए जरूरी है इस ग्रुप पे जुड़ना, है ना, और सारी पीडीएफ यहीं पे आपको मिलेगी। चलो तो शुक्रिया, है ना, ख्याल रखिएगा आप लोग अपने, और लाइक कर दो यार एक बार वीडियो को फटाक से, और फिर इसके बाद क्लास को खत्म किया जाए। कोई दुख तकलीफ किसी को, किसी को भी कोई दुख तकलीफ है? चलो थैंक यू, सब एक साथ चलेंगे। चलो कल मिलते हैं, कल केमिस्ट्री शुरू करते हैं, है ना, और अपन शुरू करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर से, परमाणु संरचना से अपन शुरू करेंगे, है ना। चलो टेक केयर, बाय बाय, है ना, लास्ट सवाल, खुश रहिएगा, और मिलते हैं कल के सेशन में, है ना?